छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी संभागीय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में 8 जून को दुर्ग में भी आयोजन होगा और इस सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर सोमवार को दुर्ग पहुंचे। बता दें कि दुर्ग के होटल इंपीरिया में 8 जून को कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। अब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत दुर्ग संभाग के सभी विधायक, पूर्व सांसद इसमें मौजूद रहेंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पहुंचकर जनता तक भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे दुर्ग दौरे पर, तो मंत्री अकबर ने यह भी कहा है कि चुनावी साल है और सभी पार्टियां चुनाव के पहले यहां पहुंचती हैं। भाजपा के नेता भी अपनी बात रखेंगे, अब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। की जो बैठक है 8 तारीख को यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का संभागीय सम्मेलन है और उसी सिलसिले में तैयारियों को लेके आज की बैठक है, जिसमें जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, समितियों के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर, सभी पार्षद, महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, ये पूरा नाम सुधर तय हुआ है, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तो वो उन सबको सूचना देना है और 8 तारीख को ये सम्मेलन 11 बजे से आयोजित है।